सबके सब आ जाइए। और आज का क्लास विवान सिंह हेलो। अब क्लास टाइमली होगा, ठीक, 1 मिनट इधर उधर नहीं होने जा रहा है। आपका 1 बज गया है। और आज का जो क्लास है वो किन के ऊपर है आप सबको पता है? आज की क्लास आपको जो है वहाँ पे थंबनेल आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि आज का क्लास किसके ऊपर है, ठीक। तो आज जो है, आज का जो क्लास है वो हमारे जो है सीरियल क्रॉप्स, जो है हमारे दलहनी फसल, उन पे है। और इनके बाद एक आखिरी लेक्चर्स होंगे दलहनी क्रॉप पे, फिर दलहनी क्रॉप जो है ख़त्म हो जाएगा। गुड आफ्टरनून मयंक कुमार, गुड आफ्टरनून। चलिए और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। हम अपना जो है दलहनी जितने आ गए हैं ठीक है, जितने नहीं आए हैं तो टाइम यही था तो वो थोड़ा छूटेंगे। चलिए अब जैसा कि देख पा रहे हो दलहनी फसल यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। हाँ प्रवीण कुमार है, चलिए हाय। चलिए तो आप जैसे देख रहे हो दलहनी फसल, तो दलहनी फसल में हम किन किन मुद्दों पे बात कर लिए हैं? पहले तनुश्री, हाँ गुड आफ्टरनून, तो बताइए किन किन मुद्दों पे हम बात कर लिए हैं, जल्दी से बताइए कि आपको कितना दलहनी फसल के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहला मुद्दा था कि दलहनी फसल के बारे में आपको सबसे पहले जो है, यस, अरहर पे बात हम कर चुके हैं, सही बता रहे हैं, अरहर पे बात हम कर चुके हैं। और इनके साथ साथ और भी कोई दाल पे बात किए थे, चना पे भी बात हम कर चुके हैं। जी चना पे बात भी हम कर चुके हैं। तो बताइए कि चना का जो है, चना का लैटिन नाम आप सभी बता दीजिए। बताइए जिन जिनको याद है बता दीजिए चना का लैटिन नेम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आज का जो मुद्दा है, यस सर, और बोलिए, पूरा बोलिए, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है। और कल जो हम ICAR और BCC और BHU के क्वेश्चन करवाया गया था, सुपर संडे के क्लास थे कल, तो कल आप लोग का कैसा रहा क्लास बताइए सबके सब? एकदम बढ़िया रहा। चलिए अब दूसरा मुद्दा जो है हमारा मसूर का पौधा, ठीक। सबसे पहला मुद्दा हमारा हो रहा है मसूर का पौधा पे हम बात करेंगे। एट फर्स्ट आई एम डिस्कस्ड अबाउट लेंटिल प्लांट, ओके। मसूर का जो पौधा है उस पर हम भी बात करेंगे, ओके। तो मसूर का पौधा जो है जिनका नाम है लेंटिल प्लांट जिनको बोलते हैं, तो आज इस पर हम बात करेंगे। और उतना ही बात करेंगे जितना कि हमको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बस हमको बात बस उसी मुद्दे पे करना है जो हमको एग्जामिनेशन में आएगा और एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। चलिए तो आप सभी रेडी हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं लेंस का जो बोटनिकल नेम होता है, लेंस कुलिनेरिस होता है। क्या होता है? लेंस कुलिनेरिस बोटनिकल नेम होता है लेंटिल प्लांट का, मसूर का पौधा का, ठीक, मसूर का पौधा का होता है। और आगे की बात करें तो फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेशी, इसको आप लिख लें, लेगुमिनेशी फैमिली से ये इंग्लिश वाले लिख लें, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, ठीक। तो और इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% पाई जाती है। और आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको 24 से 26 आपको एवरेज देगा, तो ये सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ओके, यस, तनुश्री, राइट, ओके, कोई बात नहीं, ठीक। तो इस पे जो आप देख रहे हो तो प्रोटीन की मात्रा 24 से 26%, यानी कि 25% भी हम बोल सकते हैं, हमको देखने को मिलती है, ठीक। चलिए यस, लेगुमिनेसी कुल का होता है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का सभी का आ रहा है। इस तरह ही प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर देते रहिए, ताकि आप सभी का एक रिवीजन सेशन की ओर से चलता रहे, ओके गाइस। चलिए तो अब हम नेक्स्ट, यस 25%, नेक्स्ट बात करें इसका सीड रेट का। और जितना हम जो है आपको मेंशन किए हुए हैं तो वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उस पर जो है आप ध्यान अच्छे से कराना, ठीक, ताकि आपका वो छूटे नहीं। तो हम बात कर रहे हैं इस पे सीड रेट की, तो 30 से 35 किलोग्राम जो है इसका सीड रेट होता है, ठीक। किनका? मसूर का जो है बीज दर की बात करें तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और दूसरे वैरायटी के लिए जो है अलग होते हैं, उस वो भी बात हम अभी आगे करेंगे। एक मैं मेनली आपको चार्ट प्रोवाइड किया हूँ कि इस चार्ट देख के आप थोड़ा बहुत मसूर के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब देखिए, चलिए अब यहाँ तक तो क्वेश्चन किए, अब मैं आपको पता है हर लेक्चर की तरह मैं पहले और स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करिए और उनका आंसर आप बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानीखेत रोग किसे प्रभावित करता है? बताइए रानीखेत रोग किसे प्रभावित करता है? रानीखेत जो है रोग वो किन को प्रभावित करता है? हु अफेक्ट्स रानीखेत डिजीज?
को एनिमल, पिग, फिश, पॉलेट्री, गो पशु, सुअर, मछली या फिर कुकुट। बताइए, बता रहे हैं एक स्टूडेंट पॉलेट्री बता रहे हैं, ठीक है, कुकुट बता रहे हैं। बताइए रानीखेत किसे प्रभावित करता है, बता रहे सही प्रवीण कुमार कुकुट, ठीक है। अभिषेक कुमार बता रहे हैं पॉलेट्री, काजल कुमारी बता रहे हैं पॉलेट्री, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का रहा है पॉलेट्री। इनका सही आंसर की बात करूँ तो पॉलेट्री इनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए अब मैं नेक्स्ट मुद्दा पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ। बताइए आप सभी बताइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जटिल उर्वरक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या फिर यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। अभिषेक कुमार फोर बता रहे हैं, तो नुसरी फोर बता रहे हैं, यूरिया अमोनियम सल्फेट बता रहे हैं, सबके सब बताइए। टू कड्डी बता रहे हैं मोहन कुमार, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बता रहे हैं, बताइए सबके सब फटाफट बताइए ताकि आंसर। प्रवीण कुमार डी बता रहे हैं, यूरिया अमोनियम सल्फेट, तो इनका आंसर जो है यूरिया अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें, बताइए शरीर के लिए जो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए जो आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। बताइए 10, 20, 25 या फिर 30। अजल कुमारी 10 बता रही है, और सबके सब बताइए फटाफट बताइए, ठीक। यस वेरी गुड, चलिए तनुश्री, मयंक कुमार, अभिषेक कुमार सबका सही है, तो इसका सही आंसर 10 होगा। आप पिछले क्लास में ये गलत किए थे, ठीक, ये ICAR में कब, ICAR 2009 का क्वेश्चन ही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, तो बताइए निम्न उर्वरकों में से किस में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाइएस्ट नाइट्रोजन कॉन्टेंट, द अमाउंट्स आर यूरिया नाइट्रेट ऑफ सोडा, अमोनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मयंक कुमार यूरिया बता रहे हैं, तनुश्री ए बता रही है, बताइए सबके सब, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रवीण कुमार ए, अभिषेक कुमार बता रहे हैं, यूरिया बता रहे हैं, तो इसमें से सबका आंसर सही है, बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हो। अब बता दो यूरिया में जो है कितने प्रतिशत हमको, यूरिया की बात करें तो इसमें कितने प्रतिशत हमको नाइट्रोजन दिखने को मिलता है, कितना प्रतिशत बताइए, बताइए यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन देखने को मिलता है, बताइए जल्दी से। युवान सिंह आप बहुत पीछे चल रहे हो, वीडियो को आगे करूँ, ठीक है, बताइए फटाफट बताइए। यूरिया में जो है एकदम सही, कल हम बताए हुए थे, तो उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब आप दोनों का है। चलिए जो जो बता रहे हैं, बिल्कुल अभिषेक कुमार, तनुश्री सबका, प्रवीण प्रवीण कुमार ने 15% नहीं, 46% पाया जाता है। जब आप उर्वरक जो है आप जब लाओगे खरीद के, जब यूरिया लाओगे तो देखना उसका जो पैकेट में लिखा रहता है कि नाइट्रोजन जो इसमें 46, आप सब देखे थे, बताइए आप सभी देखे थे, देखे थे उसका थैला में जो है आप लोग देखे थे कि 46 पे। प्रैक्टिकली करने से क्या होता है कि आप कभी नहीं भूलते हो, ठीक, तो हर एक कुछ जो है प्रैक्टिकली करके देखो ताकि भूलो नहीं, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी CICR में पूछे जाते हैं और ये 12th में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, देखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें वितरण और क्षेत्र विस्तार की बात करें, तो मसूर की खेती मुख्यतः कहाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है, और भारत में जो उत्पादित मसूर का 85% उपज जो है उन्हीं क्षेत्र से होता है, 85% जो है पूरा जो है भारत में होता है, तो उसका जो ये कुछ राज्य हैं यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है गाइस। यस चलिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया एक्सप्लेनेशन, तो देखिए लेंटिल कल्टीवेशन इज मेनली इन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल एंड इंडिया, एंड 85% यील्ड ऑफ लेंटिल प्रोड्यूस इन रीजन ऑफ फ्रॉम दीज एरियाज, ये सारे एरियाज से जो है प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, बिहार में मुख्यतः इसकी खेती पटना पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण, भभुआ, औरंगाबाद, नया गया, नालंदा, नवादा, रोहतास में होता है, ठीक। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन बिहार, पटना, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, भभुआ, औरंगाबाद और नालंदा में होता है। यस यस इंडिया का, यस इंडिया का, ये सारे जो है आपको जो ऊपर बताए हुए थे उस सारे राज्य में होता है, ठीक। और हम नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है वो है खेत के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की बात अगर हम करते हैं, ये आपका हेडिंग है, तो इस पौधे के समुचित विकास के लिए सर्वोत्तम तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, ठीक। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 15 से 25 के बीच होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए, ताकि नहीं तो वो अंकुरित नहीं होगा।
वही बता रहे हैं, सोइल एंड क्लाइमेट सुटेबल फॉर फार्मिंग, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इट्स प्लांट हैज़ बिन फाउंड टू बी 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके यस। अब हम नेक्स्ट मुद्दा बात करें, मसूर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट और दोमट और भारी दोमट की खेती कर हम अच्छा और भी ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। होती तो सभी में है, लेकिन ये तीनों मिट्टी में अगर हम करते हैं तो हमको और की तुलना में ज़्यादा हमको उपज प्राप्त होता है। ठीक है गाइज, ठीक है। चलिए अभी जो भी लाइव है लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट मुद्दा पे बात करें, लेंटिल कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप्स ऑफ सोइल, ओके, बट कैन बी ऑब्टेन बाय कल्टिवेशन इन लोमी लोम एंड हैवी सोइल। ठीक, ये मुद्दा जो है ये मुद्दा आपका किस पे हुआ, ये मुद्दा आपका मसूर की खेती पे हुआ। ठीक, मसूर की खेती पे हुआ। ठीक, तो इस पे आपको पता चल गया मसूर की खेती में। अब मसूर को पौधा का जो है कुछ इंपॉर्टेंट और रोल है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, रबी दलहनी फसल में जो है चना के बाद मसूर एक दूसरी पौष्टिक दलहन फसल है। सबसे ज़्यादा पौष्टिक आपको जब चना पढ़ा रहे थे तो चना था, और उसके बाद जो है कौन सा है, मसूर का पौधा है। और ये याद रखना, बहुत कुछ ऐसा है जो जैसे चना दलहनी फसल जो है मेनली सिमिलर होते हैं, जिस प्रकार चना में बीज उपचार और आपको उर्वरक प्रबंधन, निकाई गुड़ाई प्रबंधन, जितने भी दलहनी फसल का पूछेगा आप, ट्रिक याद रखना, एक का याद रखना और वही सब सब में बैठा देना, ओके, सारे के सारे में। चलिए इसको हम लेंटिल प्लांट की बात करें, जिसको वही बोलते हैं हम, लेंटिल आर एनोदर न्यूट्रिएंट्स पल्स फ्रॉम आफ्टर जो है पी, ओके, चिक पी भी उनको बोलते हैं इन रबी क्रॉप। चलिए अब मसूर के दालों में जो है 24 से 26, आपको 25 वहाँ पे बताए हुए थे, बोले भी थे कि 24 से 26% हमको प्रोटीन देखने को मिलता है, 57 से 60% की बात करें तो हमको कार्बोहाइड्रेट की देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट CHCHO आई थिंक, कार्बोहाइड्रेट HCHO, यस CHCHO, यस। ठीक, और हम बात करें कार्बोहाइड्रेट तो 57 से 60% देखने को मिलता है, वसा की बात करें तो 1.3% और रेसा 3.2%, उसके साथ साथ 69 मिलीग्राम कैल्शियम, 300 मिलीग्राम फॉस्फोरस हमको देखने को मिलता है, और 7 मिलीग्राम लोहा प्रति 100 ग्राम लोहा में पाया जाता है, ग्राम में पाया जाता है। ठीक, मसूर में, और हम वही बोल सकते हैं, देखिए ये आपको पूरा आपको पैक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हिंदी में मैं बता दिया हूँ, इंग्लिश वाले इसको देख लेना, 24 to 26% प्रेजेंट इन लेंटिल पर्स प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, एंड 57 to 60% कार्बोहाइड्रेट, एंड 1.3% फैट, एंड 3.2% आपको देखने पड़ेगा फैट आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपका बात करें हम 69% वो आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, और 300 मिलीग्राम फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, और 7 मिलीग्राम आयरन इज फाउंड पर 100 ग्राम्स आपको लेंटिल क्रॉप्स। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आ रहा है सबको, बताइए समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, यस यस बताइए। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब आप एक बार लिखते चलो, जितने भी मैं प्रोटीन का नाम अभी बताया हूँ, यस, जितना भी प्रोटीन का नाम बताया हूँ आप सभी लिखते चलो, ताकि आप सबको जो है हमेशा के लिए याद रहे। ठीक, और इसमें विटामिन ए, ये देख लो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो विटामिन ए और एक होता है रिबोफ्लेविन होता है, जो कि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और इसको हम आपको पता है दाल के रूप में उपयोग करते हैं, और बीज का उपचार जो है चना की तरह करते हैं। चलिए बताइए चना का बीज उपचार हम किस तरह करते थे, बताइए चना का बीज उपचार जो है किस तरह करते थे, हम आपको अभी बता चुके हैं, जितने भी दलहनी फसल हैं सारे के सारे जो है एक ही तरह के जो है होते हैं। ठीक, एक ही तरह के उनके सारे के प्रोसेस है, और कट्रिक्स आप देख सकते हो, कोई एक उठाओ उनका समरी तैयार करिए, देखिएगा सारे का जो है आपको एक तरह ही मिलेगा। तो बताइए बीज का उपचार कैसे करते हैं चना की तरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताइए चना में बीज का जो है उपचार वो कैसे करते थे, आपको बताए हुए थे, याद नहीं है तो बताए हुए थे कि हम बुआई जब करते थे तो उनके हम 24 घंटे पहले 2.5 ग्राम जो है फुफुंदनाशक आपको बताए थे, थीरम डाइफोल्टान कैप्टन में से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक, उसको आप उपचारित करते हैं उनसे। ठीक, या फिर एक और बताए थे कजरा पिल्लू, उनसे भी बचाव करते हैं हम। ठीक, एक क्लोरापायरीफॉस जो था उसका 20 EC देके, जो कि कीटनाशक दवा था जिससे हम करते थे, ये हम बता चुके थे, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। ठीक, समझ में आया, चलिए वही बात पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और इट इज़ यूज एज लेंटिल, इसको जो हम वही मसूर की खेती के लिए यूज करते हैं। ठीक, यस यस, और सीड शुड बी ट्रीटेड लाइक ग्राम, और ये सीड जो है इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ग्राम की तरह करते हैं। ठीक,
अब चलिए बोने की दूरी की बात करें हम, अगर हम बोने की दूरी की बात करें, बोने की दूरी की बात करें हम, तो पंक्ति से पंक्ति जो है, पंक्ति से पंक्ति जो है 25 सेंटीमीटर होता है, और पौधे से पौधे की हम दूरी को देखें तो कितना देखने को मिलेगा हमको, 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक, और वही बात है प्लांटिंग डिस्टेंस, जैसे हम आपको बताएं वही बात है, डिस्टेंस फ्रॉम रो टू रो 25 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर ओके हमको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे आपका ये चैप्टर, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, आपको परेशान नहीं होना है। जहाँ मैं पिछले बार जो है, पिछले ईयर में जो है, प्रीवियस ईयर में मैं इसको 20 लेक्चर में एंड किया था, 20 लेक्चर्स में, लेकिन ये था लेक्चर्स थोड़ा छोटे थे क्योंकि वो अपलोडेड होते थे। ठीक, लेकिन इस बार जो है हम इसको आपको, अभी कितने लेक्चर्स हुए हैं, आई थिंक 4 से 5 हुए हैं, तो इसको हम 10 तक निपटा देंगे आपको, जितना मैं पिछली बार बताया तो उसका मैं आधा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स भी है, तो इनसे मैं जल्दी निपटा दूंगा मैं। ठीक, परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपको चारे वाली फसल ये दिखेगा, उसके बाद जो है मुद्दा ख़त्म होने पर होगा। ठीक, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, प्लांट टू प्लांट ऐसे। बिल्कुल सही जवाब आप सब कह रहे हैं, एकदम सही जवाब आप सबके सब दे रहे हो रूही आनंद, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट मुद्दा पे बात करें, उर्वरक प्रबंधन, तो इसमें खाद जो है, जिसको उर्वरक बोलते हो, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम स्पूर देते हैं। ठीक, और 100 किलोग्राम जो डीएपी प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। वही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, तो आप देख सकते हो 20 kg नाइट्रोजन एंड 40 to 50 kg स्पूर, दैट मीन्स सल्फर, दैट इज सल्फर ओके, 100 kg डीएपी पर हेक्टेयर शुड बी यूज ओके। एंड निकाय गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें, तो चने की खेती की भांति ही करना चाहिए। अच्छा, नो साक्षी, ओके ओके ओके, रुयाना नोट साक्षी ओके, तो चने की खेती की भांति इसका करना चाहिए। और सिंचाई प्रबंधन की हम बात करें, तो चने की तरह ही इसका सिंचाई भी करना चाहिए, जैसे हम चने में करते हैं ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमको सिंचाई करना चाहिए। ठीक, आपको पता चल रहा है? बताइए, चने की खेती की भांति करना चाहिए, निकाय गुड़ाई कैसे करते थे चना का निकाय गुड़ाई, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, रिविजन करा दे रहा हूँ कि चना में हम आपको बताए हुए थे 2 बार जो है, 2 बार निकाय गुड़ाई की आवश्यकता होती थी उसमें। हम पहले तो निकाय गुड़ाई करते थे 25 दिन बाद, और फिर करते थे हम पहले कितना, पहले हम करते थे 25 से 30 दिन बाद, और दूसरी हम कब करते थे, दूसरी हम करते थे आपको, हाँ 45 से 50 दिन बाद करते थे। ठीक, और वो रासायनिक विधि से करते थे, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण के लिए हम एक दवाई का यूज करते थे, पेंडीमिथालिन। ठीक, किसका करते थे, पेंडीमिथालिन ओके, पेंडीमिथालिन का हम यूज करते थे, आप सभी को बताए हुए। हाँ शशांक रंजन, गुड गुड आफ्टरनून, आप बहुत लेट हो। ठीक, तो पहले आया करिए। ठीक, यस पहले आया करिए। चलिए, तो और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि उसमें जो है पेंडामिथिलिन का यूज करेंगे, 30 EC जो है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से। तो ये बात जो है आपका निकाय गुड़ाई का हुआ। और सिंचाई प्रबंधन की बात करें, तो ये भी जो है चने की तरह करने चाहिए। तो आपको पता चल रहा है ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको दे रहा हूँ, तो ट्रिक वही है, आप पहले मसूर का खेती, जो चने की खेती है उसको आप पढ़ लो, तो आपका जो है, आपका अगर आप चने की खेती पढ़ते हो तो आपका 50% जो है आपका सॉल्यूशन हो जाता है उसी से, 50% आपका जो है मसूर का कंप्लीट हो जाएगा, मसूर के साथ साथ बहुत सारे दाल का भी खत्म। सर कल और परसों जो पढ़ाए तो उसका नोट्स टेलीग्राम पर भेजा गया है? नहीं, नोट्स नोट्स नहीं मिलते हैं आपको, मैं बता चुका हूँ, नोट्स नहीं मिलते हैं इनके, वो पैड कोर्स के लिए है। ठीक, यस यस, चलिए, और जो हमारा नेक्स्ट जो मुद्दा है वो हमारा मिश्रित खेती। ठीक, तो सिंचाई प्रबंधन चने की तरह होती है, कैसे होता है चने में, तो आपको बताए हुए थे चने में कैसे सिंचाई होता है, तो जिस प्रकार चने में होता है उसी प्रकार इसमें भी होगा। ठीक, तो आपको पता है दलहन जितने भी फसल उसमें अब पानी की आवश्यकता तो कम ही होती है, सबको पता है, और नमी की स्थिति में एक सिंचाई के जो है वो कब करते हैं, हम जब हम बोते हैं तो उसके हम 45 से 50 दिन बाद एक बार कर देते हैं। ठीक, चने के लिए, आपको मसूर के लिए और चने के लिए, ठीक दोनों के लिए कर देते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार है आपको दिखने को मिल रहा है, जिस प्रकार आपके वो दलहनी फसल है, सारे दलहनी फसल एक दूसरे से कोरिलेटेड है, रिलेटेड होते हैं। ठीक, चलिए, आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात आप सबको समझ में आया, बताइए फिर हम आगे मुद्दे पे बात करेंगे। और आज जो है शाम में सोयल साइंस का आप लोग बोलेंगे तो सोयल साइंस का करा देंगे। ठीक, और उसके बाद कुछ देर बाद आज शाम में एक मीटिंग होगा, ठीक उसमें शेड्यूल के लेकर के वो ऐप पे होगा ओके। ठीक है, यस ओके, करवा देंगे, ज़रूर कराएंगे। चलिए,
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा मिश्रित खेती। तो सरसों और तीसी के साथ हम मिश्रित खेती कर सकते हैं, सरसों और तीसी को लगाकर हम मिश्रित खेती कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट मुद्दा पे बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट मुद्दा है आपको वेडिंग मैनेजमेंट है, ठीक। ग्राम शुड बी कल्टिवेटेड लाइक कल्टिवेशन, ये आपको बता चुके हैं। और इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करूँ तो शुड बी डन लाइक ग्राम, ये भी आपको बता चुके हैं कि चने की तरह होता है। और मिक्सड फार्मिंग आपको बता चुके हैं, मस्टर्ड और टीस्पून की तरह हम कर सकते हैं, ठीक। ये सारे मुद्दे पे हम आज बात किए हैं। और अब जो है नेक्स्ट मुद्दा जो है वो हमारा मटर। आज हम दो दलहनी फसल समाप्त कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और बताइए, देखिए आपको 15 मिनट में आपका जो है, 15 से 20 मिनट में आपका एक दाल समाप्त हो गया। इतने हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक। आप सोच सकते हो मैं कितना फास्ट चल रहा हूँ। और सारे से आपका बीसीसी जैसे एग्ज़ाम में, बीसीसी और आईसीआर जैसे एग्ज़ाम में जो है आपका, बीसीसी और आईसीआर जैसे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आपको 100% करना पड़ेगा, ठीक। छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप मिस्ड कर जाओगे, ठीक। आ रहे बात समझ में सबको? चलिए, पैड करना हो तो आपको जो है नीचे में कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक। अभी क्लास के बाद जो है नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड होता है, तो वहाँ पे आप मैसेज करके आप ले सकते हो। ओके, चलिए अब हम मटर पे जो बात करेंगे, तो पीज पे जो होता है हमारा उस पर हम बात करेंगे। तो ये मुद्दा हमारा ये है, सबसे पहले SN जिसको हम पाइसम सैटिवम बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है पी का, बताइए सबके सब। तो पाइसम सैटिवम जो है साइंटिफिक नेम होता है पी का, ठीक। सबसे पहले हम कुछ ऊपर वाले मुद्दे पे बात करेंगे जिनसे हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए हम अगर जो ऊपर का कुछ पॉइंट जो आपको बताते हैं समझ लो वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक। उनको आप हमेशा याद रखना, और उसी से आपका एक चैप्टर बनता है। यस, सबके सब सही हैं। चलिए, काजल कुमारी रोहियानंद एकदम सही हैं। चलिए अब हम फैमिली की बात करें तो ये भी उसी फैमिली से होता है। दलहनी फसल जो है सारे एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको पता है कि जिस प्रकार जितने सारे दलहनी फसल है वो लेग्यूमिनेशी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ठीक। यस, और नेक्स्ट बात करें इसका क्रोमोजोम, तो 2n = 14 होता है, ठीक। चलिए अब जो है नेक्स्ट है पॉइंट मुद्दा हमारा मटर का पौधा। अब मटर का पौधा पे हम बात करें तो मटर बिहार का एक प्रमुख रबी दलहनी फसल है। मटर क्या है? बिहार का जो है प्रमुख रबी दलहनी फसल है, और इसके विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन तैयार किए जा सकते हैं, ठीक। ये क्या है? बिहार का सबसे पहले रबी, ये रबी के मौसम में होता है, ठीक। और इसके विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन तैयार किए जा सकते हैं, ठीक। जितने भी आपको वेज वेज फूड है, जितने भी वेज फूड है वो इनसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बात करें पी, और वही हुआ आपका जो मटर का पौधा की बात करें तो पी इज अ मेजर रबी पल्सेस, ठीक। पी जो है रबी पल्सेस है, क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार का। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन फूड कैन बी प्रिपेयर, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम शाकाहारी भोजन इनसे हम तैयार कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट मुद्दा पे बात करें तो इसमें जो है 22.5% जो है प्रोटीन देखने को मिलता है, और 62% जो है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये सारे आप लिखते चलो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। और आपको बात करें 1.8% वसा देखने को मिलता है, और 64 मिलीग्राम जो है आपको कैल्शियम देखने को मिलता है, और जो है 48 मिलीग्राम जो है लोहा, और प्रति 100 ग्राम जो है मटर पाया जाता है। बिल्कुल सही रहे आनंद, कार्बोहाइड्रेट एकदम सही आंसर, सॉरी साक्षी कुमारी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, ठीक। तो इनको आप रट लो, रट लो और घोल के पी लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको अब पूछ सकते हो कि इसमें कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और भी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हमारा ये है, ठीक। VVI, ये और ये दोनों हमेशा देख के ही जाना, ठीक। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये मेनली पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मुद्दा पे बात करें हम तो इस पौधे में जो है कुछ औषधीय गुण होते हैं जैसे पेलीफिनोल, ये क्या करते हैं? पेट में जो जनित कैंसर होते हैं उसको बचाते हैं। ये 12th वालों इसको आप रट लो, आपसे पूछा जा सकता है मटर के पौधे जो है किसके लिए उपयोगी रहते हैं। आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, और ऑप्शंस के में आपको पेट जनित कैंसर, कैंसर नहीं किस कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं, थायरॉयड कैंसर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो ये पेट जनित कैंसर के लिए होते हैं। दिस प्लांट हैज सम मेडिकिनल प्रॉपर्टीज लाइक पॉलीफिनोल विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टोमक कैंसर, ठीक। वो स्टोमक कैंसर जो है उसके वो अगेंस्ट काम करता है, ठीक। तो आप जो है इनको
अच्छे से देख लेना। ये क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं बताइए। सो क्यों करता है? क्योंकि इसमें पॉलीफेनोल पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है? पॉलीफेनोल पाया जाता है। ठीक, अरे बात समझे? ठीक है, लाइक कर दीजिए जिनको जिनको मज़ा आ रहा है करने में। जो BCSE जो क्रैक करने वाला है ICAR, जैसे एग्जाम को आसानी से हम लोग क्रैक करेंगे। 12th 11th टोटल कंप्लीट होगा। ठीक, और 12th 11th वाले को टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपका लास्ट में क्रैश कोर्स में करवा दूंगा, 1 महीने, 1 से 1.5 महीने में आपका क्रैश कोर्स समाप्त कर दूंगा मैं। और वो भी ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर के साथ, आपका क्रैश कोर्स मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, जब आप लोग बोलोगे उस टाइम में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो परेशान नहीं होना है 12th वालों, अभी BCC के लिए लग जाइए, ICAR जैसे एग्जाम के लिए। 12th जो है वो बहुत ईजी है इनके कंपेरिजन में, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना क्वेश्चन आपको 12th में देंगे सारे के सारे लड़ेंगे, ये भी मेरा गारंटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति जो संभवतः हम बात करते हो दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया जिनको बोलते हैं, और अनुमानतः उत्तरी पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, पूर्वी रूस जो सटे हुए हैं, तो उस क्षेत्र में जो है इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक, आपको ओरिजिन तो आप देख सकते हो, प्रोबेबली माना गया है साउथ वेस्ट एशिया को। ठीक, जो कि किन से सटे हुए हैं, तो टेटरियन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके, पाकिस्तान, ईस्ट रसिया। ठीक, इससे जो है वो सटे हुए हैं। ठीक, चलिए इनका ओरिजिन में बात कर ली हम। विस्तार, क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसे भारत के विभिन्न राज्यों, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में मटर की खेती की जा सकती है। चलिए बता दीजिए, अगर मटर की खेती में जो है क्या पाए जाते हैं जो आपको किस रोग से हमको बचाते हैं, बताइए मटर में क्या पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर में किस रोग से बचाते हैं, आप सबके सब जल्दी से बताइए। ठीक, फटाफट बता दीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ या एरिया एक्सटेंशन की बात करूँ, तो इट इज़ कल्टिवेटेड वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक एज यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद बिहार और उड़ीसा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक, अभिषेक कुमार, बिल्कुल पॉलीफेनॉल पाया जाता है स्टोमक कैंसर, स्टोमक कैंसर एकदम सही आंसर है प्रवीण कुमार आपका। ठीक है, चलिए एकदम सही आंसर है। बिहार में इसकी खेती कहाँ होता है, तो पटना के साथ साथ भोजपुर, औरंगाबाद, एकदम सही आंसर आ रहा है सबका। खगड़िया, बेगूसराय, चंपारण, पश्चिम, भभुआ, सिवान, गोपालगंज, ये सारे में आते हैं। ठीक, चलिए और आगे बात करें, वही बात है जो आपको बताए हैं कि इट इज़ कल्टिवेटेड इन बिहार एंड मैनली इन पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, बेगूसराय, चंपारण वेस्ट, और इट इज़ डन भभुआ, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा और अरवल। ओके, ये मुद्दे जो आप देख रहे हो ये वहाँ पे जो है इसकी खेती की जाती है। और मटर के अच्छे वनस्पतिक विकास की बात करें हम, वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें और रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की बात करने के लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस जो है और 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, ओके, 16 से जो है 17 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस दिन और रात में तापमान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे से देख लेना, जो मैं मुद्दा बताया हूँ वही मुद्दा है। ठीक, और अगर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो विकास में बाधा डालेगा और वो पॉलिनेट नहीं होगा और उसका परागण की क्रिया जो है वो विपरीत रूप से जो है प्रभावित होगा, उस पर बड़ा ही इफेक्ट डालेगा। ओके, चलिए अब हम टेम्परेचर की बात करें, तो ये जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट ग्रोथ में जो है इफेक्ट पड़ेगा उस पर, किसके लिए, पोलिनेशन जब होगा उस पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, आ रहा है सबको समझ में? चलिए ये बात अब आ रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है वो सीड रेट की है, बीज दर की है, तो इसको VVI कर ले। ठीक, तो बीज दर की मैं बात करूं तो 75 से 80 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर, 75 से 80 किलोग्राम की बात करें हम तो प्रति हेक्टेयर पूसा प्रभात का बीज दर है, और 95 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर जो है आपको ये नॉर्मल का है, जो भी हमारा जो है जो हम उगाते हैं उसका है। ठीक, और पूसा प्रभात के लिए 75 से 80। ठीक है, चलिए अब बीजोपचार की हम बात कर रहे हैं, तो बीजोपचार चना और मसूर आपको बताया था ना एक दूसरे से जो है जुड़े हुए रहते हैं दलहनी फसल। ठीक,
जैसे हर एक पिता अपने बेटे से बेटे जो अपने पिता से जुड़े रहते हैं, तो उसी प्रकार जो है जितने ये लेग्युमिनेसी फैमिली है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, जिस प्रकार इसमें भी जो उपचार होता है उसी प्रकार आपको मसूर में देखने को मिला था, और उसी प्रकार आपको चना में देखने को मिला था, और ठीक उसी प्रकार अरहर में भी देखने को मिला था। ठीक, तो ये सब एक आप देख लोगे सारा हो जाएगा। और सीड रेट की हम बात करें तो 75 से 80 आपको बताए हुए थे प्रभात के लिए, और नॉर्मली 95 से 100 किलोग्राम। अब सीड ट्रीटमेंट आपको बता दिए हैं। सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन लाइक ग्राम एंड लेंटिल्स, चने और मसूर के तरह जो हम इसका बीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का उपचार करते हैं, जिनको हम बीजोपचार बोलते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब डिस्टेंस बताएंगे प्लांटेशन का, तो पंक्ति से जो है पंक्ति है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 30 सेंटीमीटर। और प्लांट से प्लांट की दूरी जो है, प्लांट से प्लांट की दूरी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। और पूसा प्रभात जो है हमारे वैरायटी, उसके लिए जो है आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी बात करें तो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो है प्लांट से प्लांट की दूरी की बात करें हम तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वेराइटीज ऑफ डिस्टेंसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड लाइन टू रॉ। ओके, गॉट इट और नॉट? बिल्कुल विवान सिंह, बिल्कुल सही। अनुपम भारती, हेलो, बहुत लेट आए हो। ठीक, इतना लेट आज आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो, पहले से ज्वाइन किया कीजिए ताकि आप जो है लाइव अटेंड कर सके। और प्लांटिक डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वही बात है कि इसमें जो है आपका डिस्टेंस जो है रॉ टू रॉ आपको 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, और डिस्टेंस है प्लांट टू प्लांट आपको 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक, और बात करें पूसा प्रभात के लिए तो डिस्टेंस जो है रॉ टू रॉ की बात करें तो 20 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम प्लांट शुड बी प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर। कब स्टार्ट हुआ? टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो आप? टेलीग्राम पे सारे मैसेज जाते हैं, 1 घंटे पहले वहाँ पे बताया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, प्रवीण कुमार से बोल रहे हैं, 1 बजे ही स्टार्ट हो चुकी है और क्लास अब एंड भी होने वाली है, इसलिए आपको पहले ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज पीछे कर से देख लो, पीछे करके देख लो, पब्लिश हो जाएगा। ठीक, कल से ज्वाइन कर लेना। और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 20 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम स्पूर जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, और 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर दर से हम प्रयोग करते हैं। ठीक, और अब हम निकाई गुड़ाई जो है हमारा खरपतवार प्रबंधन है, तो सेम जो है जिस प्रकार हम चना मसूर का आपको बताए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। मैं अभी जो है आपको जब मसूर पढ़ा रहा था अभी कुछ ही मिनटों पहले, मैं आपको बताया था निकाई गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन के बारे में आपको बताया था, और ये भी बताया हुआ था कि उस किस प्रकार से हम कौन से दवाई डाल के हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। ठीक, तो ये सभी आपको पता है। ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये टाइम वेस्ट होगा अगर हम बताएंगे तो। ठीक है, तो इस उसी प्रकार हम करेंगे। तो आप एक सीरियल में देख लो, आप मेनली याद रखना कि सबका क्या सेम होता है। सबसे पहले आप याद रखना बेसिकली जो है आपको बोने की दूरी, ये भी आपको बेसिकली सेम देखने को मिलेगा। उर्वरक प्रबंधन जो है ये भी आपको सेम मिलेगा, जो आपको खाद रहता है। निकाई गुड़ाई आपको सेम दिखने को मिलेगा। सिंचाई प्रबंधन सारे दाल और आप मिट्टी और जलवायु की बात करें, वो भी एक तरह खेत की तैयारी की बात करें, ये सारे जो है एक तरह देखने को मिलेगा। स्पूर क्या होता है? स्पूर सल्फर होता है, सल्फर को हम बोलते हैं, सल्फर को। ठीक, सल्फर को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। यहाँ देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर ले BCC वालों, 12th वालों। ठीक, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो 20 kg जो है प्रति हेक्टेयर, 20 kg की बात करें आपको तो आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन होगा 40 से 50 के लिए जो है आपको सल्फर दिखने को मिलेगा। ठीक, और 100 kg DAP प्रति हेक्टेयर आपको वहाँ छिटकावा करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड वीडिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, अब ये दूसरा मुद्दा है, तो शुड बी डन लाइक ग्राम एंड लेंटिल, आपको मसूर और चने की तरह ही हमको इसके भी आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक, सिंचाई गुड़ाई जो है होता है आपको वो करना चाहिए, खरपतवार प्रबंधन। चलिए अब हम मिश्रित खेती कैसे करेंगे, आज का लास्ट मुद्दा ये है कि सरसों तीसी और मक्का के साथ जो है मिश्रित खेती कर सकते हैं। और मिक्सड फार्मिंग की बात करें तो मिक्सड फार्मिंग कैन बी डन विथ मस्टर्ड तेसी एंड मेज। ठीक, जितना आपको बताए हुए हैं तो यही आपका मुद्दा है, और आज का जो है मुद्दा है वो यहीं पर एंड होगा।
आज का मुद्दा दो दाल हम आज ख़त्म किए हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी दलहनी फसल है और दो बचा हुआ है तो ये सारे जो हम ख़त्म कर देंगे आपको सेकेंड लेक्चर अब जो आएगा, ठीक, उसमें। और हम और 2 दिन में कोशिश करेंगे, 2 दिन में आपको सारे ये जो सेकेंड चैप्टर हमारा है ये कंप्लीट करने का, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है, टारगेट है BCCICR के लिए, ठीक। यह सब बताइए, आपको सबको समझ में आया, सबके सब समझे या नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ? ICR के जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इस क्लास के दौरान वो सारे क्वेश्चन आप किए हो, कैसा लग रहा है अब पढ़ के, कैसा लग रहा है बताइए, फटाफट बता दीजिए, ठीक। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिए, ठीक। ओके, सेकेंड लेक्चर अब शाम में होगा सर? यस यस, सेकेंड लेक्चर शाम में होगा, हम सॉइल साइंस पे करेंगे, क्योंकि BCC में 11 12 दोनों पूछे जाते हैं और वो भी डीप में पूछे जाते हैं। यस, तो हम सोयल साइंस पे बात करेंगे, मृदा विज्ञान जो हमारा होगा सोयल साइंस। तो आप सभी रेडी हो तो बताइए, नहीं तो मैं 12th ही पढ़ा दूंगा। बताइए, सोयल साइंस करने के लिए रेडी हो? यस यस, बहुत अच्छा, ओके ठीक है। तो आप सभी रेडी हो तो मैं शाम में सोयल साइंस करवाऊंगा, और इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक। और उनके बाद मैं जो है आपको कुछ ऐप पे नोटिफिकेशन दूंगा, आपको रात में एक मीटिंग है उसको अटेंड कर लेना, ठीक। और जो है आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें शेयर करिए ताकि सभी इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि ये अभी शुरुआत ही हुई है, स्टार्ट हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक, जो कि आपको बिहार में कहीं पे नहीं मिलेंगे। मिशन एग्री एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है लेक्चर्स, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक। यस, टाइमिंग की बात करूँ मैं तो अनुपम भारती, आप जो है टाइमिंग की बात करूँ, शाम के टाइमिंग आपका जो है टेलीग्राम पे हम आपको 1 से 2 घंटे पहले, क्लास शुरू होने से 1 से 2 घंटे पहले टेलीग्राम पे सारे नोटिफिकेशन जाते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक। तो वहाँ पर मैं आपको जो है सारे मुद्दे पर जो आपका है वो आपको मैं बता दूंगा, टाइम कितने आता है, ठीक। ओके, तो सभी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, और शाम में टाइमिंग वैसे मैं कोशिश करूँगा 8 8 बजे या फिर 7 बजे, जो भी टाइम होगा आपको मैं पहले बता दूंगा, ठीक। 1 से 2 घंटे पहले आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा, ओके। और ऐसा ही मैं बताता हूँ, और सबके साथ लाइव सेशन से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इसमें अब बताइए ऐड होने के लिए, ताकि सभी जो है लाभ उठा पाए, ओके गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं शाम में।